शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? मौका देखा नहीं कि हमारे कमर में हाथ डाल दिया? ओ हेलो, मैं तुम्हें गिरने से बचा रहा था। बस बकवास नहीं, तुम अभी जाके बताते हैं सबको। तुम्हारी धज्जियां नहीं उड़ा दी ना तो हमारा नाम कीर्ति नहीं। वरुण जी! अरे वरुण जी! कीर्ति बेटा, क्या हुआ? वरुण जी! क्या हुआ कीर्ति, तुम चिल्ला क्यों रही हो? इस अभय ने फिर से हमारे साथ बदतमीजी की। इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बकवास बोल रही है। भाभी के लाडले बेटे ने ऐसी करतूत की, ये तो बताना पड़ेगा। जल्दी नीचे आइए, बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है यहाँ पर। ये गलत समझ रही है, उल्टा मैं तो उसको गिरने से बचा रहा था। एक लड़की के कमर पे अगर पराया मर्द हाथ डालता है ना, उसे गलतफहमी नहीं होती, वो सब समझती है। कीर्ति, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास हम नहीं कर रहे चाची जी, और ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? उससे पूछिए ना जिसकी नियत में खोट है, जिसने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। कीर्ति, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे बेटे के बारे में इतनी गंदी और घटिया बात करने की? अच्छा, आपका बेटा घटिया हरकतें कर सकता है, पर इसकी घटिया हरकतों के बारे में हम बात भी ना करें? अरे हमें अकेला बाहर देख के इसने मौके का फायदा उठाया, हमारे कमर में हाथ डालने की कोशिश की और कहने लगा कि तुम गिर रही थी तो हम तुम्हें बचा रहे थे। अबे कीर्ति क्या कह रही है? झूठ बोल रही है और क्या? घटिया मैं नहीं, तुम्हारी सोच है। मैं तो सिर्फ तुम्हें घूमने से बचा रहा था। कीर्ति बेटा, अब ऐसा नहीं, जरूर तुम्हें समझने में कुछ गलती की है। पापा जी, I'm sorry, पर एक लड़की को एक लड़के के छूने के अंदाज से समझ में आता है किसकी नियत कैसी है। ऐसे तो हर उस लड़के की नियत खराब होगी जिसने कभी तुम्हारी मदद की होगी। तुम्हें तो मुंह के बलि गिरने देना चाहिए था। तुम अपनी भाभी और मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो? इतनी चिंता है ना तुम्हें, तो इसे बोल संभल के चला करे। अच्छा, हम संभल के चले, पर तुम अपनी हरकतों से बाज मत आना। ये तो आज की हरकत है, उस दिन पूजा में भी इसने हमें छुआ था। ये सब क्यों कह रही है? सिर्फ झूठ बोल रही, भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों बोल रही है तुम? पता नहीं। और कल हमने इसे समझाया था कि ऐसी हरकतें ना करे, पर ये नहीं रुका। बदले में इसने दीदू की ड्रेस फाड़ दी जो हमने गिफ्ट की थी। कीर्ति बेटा, अभी ऐसा नहीं कर सकता। चाचा जी, अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है ना तो सोनिया से पूछ लीजिए, सोनिया ने हमें बताया था। ड्रेस का अभय की इस हरकत से क्या लेना देना है? हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि अपनी हरकतें सुधार ले, घर का मामला है, समझाऊंगी तो शायद समझ में आ जाए,
पर नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे इसने तो आज उससे भी घटिया हरकत की है। अभय, ये कि अभी दो घंटा पड़ेंगे ना तो सारी रंगबाजी जो चढ़ रही है ना सब निकल जाएगी। चल अभी के अभी फौरन माफी मांग कीर्ति से। ना ये फालतू भोकाल ना किसी और को दिखाना, और माफी वो मांगता है जिसने कुछ गलत किया। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए मैं माफी मांग। एक हवे चुपचाप अपनी गलती मान, माफी मांग और इस मैटर को यहीं पे क्लोज कर यार। अब यहाँ चुपचाप तो कुछ नहीं हो सकता, और माफी मांगनी है तो वो कीर्ति मांगेगी, क्योंकि झूठे इल्जाम इसने लगाया मुझ पर। हिम्मत तेरी, एक तो गलती करता है पर से चौधरी बन रहा है। वरुण, अबे छोड़ो। अबे, अबे, बड़ा भाई है तुम्हारा, छोड़ो से। कॉलर पहले बड़े भाई ने पकड़ा है, तो इसे बोलो छोड़ने को। मैंने कोई गलती नहीं करी, ना मैं माफी मांगूंगा और ना ही मैं सफाई देने की जरूरत समझता। हर चोर यही बोलता है कि चोरी उसने नहीं की, फिर उसे मार मार के सच उगलवाया जाता है। वो कहाँ में रहा? अभय जी, हिम्मत तो देखो इस, पहले घटिया हरकत करता है और फिर ऊपर से हाथ उठाता है। कीर्ति, अभय जी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। मुझे इन पे पूरा भरोसा है। आप दोनों प्लीज इस बात को यहीं खत्म कीजिए। श्रद्धा, जिस आदमी का साथ तुम दे रही उसके बारे में तुम जानती क्या? मैं बताता हूं इसकी असलियत। शादी के पहले ही इसकी नजर थी कीर्ति पे, इसलिए चाची गई थी इसका रिश्ता लेके कीर्ति के पास। बकवास बंद कर वरुण, तू खुद को देख पहले। नैना भाभी, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपने बिना सोचे समझे इस शादी को हाँ कर दिया और अब हमारे बेटे को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। कीड़े तो उन गुंडों को पड़ेंगे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, बचेंगे नहीं वो। भगवान है ना, सब देखता है, सब हिसाब बराबर करता है। अरे मम्मी, आप उस रात को दोष क्यों दे रही जबकि गलती इस अभय की। देख, आखिरी बार बोल रहा हूं तुझे, कीर्ति से 100 गज की दूरी बनाकर रखना, समझा? 100 गज नहीं, 1000 गज दूर रहूंगा इससे। ये उस लायक ही नहीं है कि इससे बात की जाए। अभय, तो रही बात पसंद की, तो मेरा मन तो इसके ऊपर से तभी उठ गया था जब शादी से पहले मैं इसको सारी बातें बताने गया था। लिया भगवान जी ने मुझे। बकवास बंद कर अभय। अब तो मेरी बात तुझे बकवास ही लगेगी। बताओ सबको तेरी असलियत, तेरी नजर किस पे थी? अभय, नहीं ये सस्ती ट्रॉफी उठा और दफा हो जा यहां से। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी तो भय। ये चल क्या रहा है इस घर में?
माना कि भाइयों के बीच में अनबन होती है, पर ये क्या तरीका है बात करने का? ये क्या हरकत है? कभी अनुज को हमको ऐसी हरकत करते देखा है? इस तरीके से बात करते देखा है? हम इस घर में ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी इस घर में नहीं चले गई। एकदम चुप। अभी और इसी वक्त तुम दोनों घर से बाहर जाओगे और अपनी लड़ाई पर पूर्ण विराम लगाकर वापस लौटोगे, वरना तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। देखो कीर्ति बेटा, अब एक हम बचपन से जानते हैं, वो लापरवाह जरूर है, लेकिन ऐसी हरकतों कभी नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे हम तो यही कह रहे थे कि अभय ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। अरे सरे आम, घर की इज्जत यही लड़की उछाल सकती है, इसी का काम है। अगर ऐसी बदतमीजी कोई आपकी बेटी आरती के साथ करता तभी आप यही बोलती? जी तारू जा। भाभी कुछ गलत नहीं कह रही है। अरे इसे दो पैसे का कंट्रोल नहीं अपनी जुबान पर। रितु अब आप बस कीजिए। भाभी आप हमें चुप मत करवाइए, आज तो हम बोलेंगे। इन दोनों का पहला करवा चौथ है और देखिए आपकी बहू की वजह से कितना बड़ा तमाशा हो गया इस घर में। बस करो रितु, बस करो। भैया हम कैसे बस करें? और आपने ना बिल्कुल सही कहा, आज तक हमारे और हमारे भाइयों के बीच या पापा या चाचा के बीच इतना बड़ा बवाल कभी नहीं हुआ है। तो जब से शादी करके आई हो ना तमाशे पे तमाशे किए जा रही हो। हाँ बुआ जी, आपके लिए तो हम ही विलन होंगे ना। आपको तो शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप हमारी बुराइयों की एक लंबी लिस्ट ना बना लें। ओ तुम इस घर की विलन, घर में सिर्फ आकर ना तमाशे ही करती हो। तेरी हीरोगिरी अपनी बीवी के लिए बचा के रखना, क्या जरूरत थी सबके सामने मेरे बारे में बकवास करने की? क्या हुआ, अब सच्चाई चुभ रही है क्या? वैसे हीरो तो तू भी कम नहीं बन रहा था अंदर। वो तो ताऊ जी ने तमाशा करने से रोक दिया, वरना तेरा भांडा फोड़ते मुझे वक्त नहीं लगता। क्या भांडा फोड़ेगा तू मेरा? वो तो मैं भी खोल सकता था कि कैसे तू कीर्ति के ऊपर लट्टू हुआ था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर वरना झपड़िया दे जाओगे, समझे? तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। उस वक्त का इंतजार रहेगा जब तू अपनी किस्मत पे रोएगा। ठीक है तो तू करता रहे इंतजार, लेकिन एक आखिरी बार बता रहा हूँ, कीर्ति की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? आपने हमारे साथ ऐसा कैसे किया? आपने अपनी बहन का नहीं उस अभय का साथ दिया। क्योंकि मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते, मुझे उन पे भरोसा है। तो इसका मतलब हमने उस पे झूठा इल्जाम लगाया? नहीं कीर्ति, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। मतलब तो यही निकल रहा है ना दी, उस आदमी के लिए जो आपको हर दिन टॉर्चर करता है, दिन रात टॉन्ट मारता है, आपकी बहन से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो हो गया। कीर्ति कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने ये सोच के अपना फैसला नहीं लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं। ये मेरे मन का विश्वास है। ये तो तुझे कोई गलत फहमी। हमें अभी आपसे बात नहीं करनी, मैं आप पे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मुझे तुझे और तेरी सोच पे आ रहा है। बिना सोचे समझे तूने सबके सामने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। दीदू आप तो रहने दो, मम्मी को लगता होगा कि श्रद्धा है ना
कीर्ति का ध्यान रख लेगी। उन्हें क्या पता कि उनकी बड़ी बेटी बहन से ज्यादा ससुराल की सगी हो गई है। कीर्ति, तू ये बात कैसे कर सकती है मेरे सामने? दीदो, प्लीज हमें अभी आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज यहां से जाइए। लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझे ये बात समझा रही हूँ कीर्ति, ये जो तूने इल्जाम लगाया है ना, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। किसी की जिंदगी खराब हो सकती है इसमें, और बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम किसी पे नहीं लगाते। हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की तुम पे ऐसे इल्जाम लगाने की? अच्छा हुआ जो तुमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरा मन तो कर रहा था कि दो थप्पड़ मारो उसको। और तुम चुप क्यों हो गए थे? बताना था ना सबको कि वरुण जी को शुरू से ही श्रद्धा मैडम से नहीं कीर्ति मैडम से शादी करनी थी। ये जो तू ड्रामा कर रही है ना मेरी शुभचिंतक बनने का, इसे बंद कर दे। मुझे सब पता है तू क्या कर रही है। पर मैंने क्या किया? तू श्रद्धा और मेरे बीच में लड़ाई चाहती है। तेरी वजह से मुझे लगा जो ड्रेस मुझसे फटी है उसकी चुगली कीर्ति से जाके श्रद्धा ने की है, पर ये तो तेरा किया कराया निकला ना। अभय, पर मैं तो चुप। अपना ये ड्रामा ना बंद कर दे, तो इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म हो तो फुट ले यहाँ से, हट मेरे रास्ते से। मिश्रा जी, टाइम पर राशन पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है। आज तो हम यशवी जी को कीर्ति के एक एक हरकत के बारे में नहीं बताए ना, तो हमारा नाम भी तनुजा नहीं। अरे वो अपने आप को समझती क्या है? हाँ तनुजा जी, हमारे घर का माहौल वैसे ही खराब है। वहाँ फोन करके क्यों चिंता बढ़ाना चाह रही हैं आप? चिंता? अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे लड़की के माँ बाप आराम से सोते कैसे। अरे कुछ सिखाया ही नहीं उसे। अरे हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की हमारे अभय पे इतना गंदा इल्जाम लगाने की? दीजिए हमको फोन, हम तो आज यशवी जी क्या दीक्षित जी को भी फोन करके बताते हैं, देख लीजिएगा। मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज आप मम्मी पापा को फोन करके कुछ मत बताइए। अरे काहे नहीं बताएंगे भाई। अरे अभय पे बदतमीजी का इल्जाम लगाया है उसने आज, क्या पता कल खून का इल्जाम लगा दे। मम्मी जी कीर्ति नादान है, वो हुआ कुछ और होगा और उसने इस बात का कुछ और समझ लिया होगा। मैं जानती हूं अभय जी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। प्लीज मम्मी पापा को अगर कीर्ति के इस हरकत के बारे में पता चलेगा ना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। और कीर्ति ना समझ है। कमाल है, ना समझी में कोई किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाता है? बेटा इसे ना समझी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं जरूरत से ज्यादा समझदार। प्लीज मेरी खातिर कीर्ति को माफ कर दीजिए। बस बेटा, ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। घर की बात है, घर में ही रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। जाओ आराम करो। बेकार हूं, कुछ काम नहीं करता तो क्या कोई भी इल्जाम लगाएगी मुझ पे? उस कीर्ति की हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया इल्जाम लगाने की मुझ पे? अरे उसे रिश्तों का लिहाज नहीं है तो क्या, मुझे तो है ना। अरे भाभी है मेरी वो, मुझे कोई सिंपति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे।
के मन में जो भी आए बस बोलती रही मेरे बारे में। और वरुण, अरे वरुण तो मेरा भाई है, अच्छे से जानता है मुझे, पर कीर्ति को रोकने के बजाय उल्टा मेरा कॉलर पकड़ लिया उसने, मुझे सुना रहा था, मुझे। सारे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रखती, कुछ कहता है कि इसे कीर्ति पसंद थी, सबके सामने मुझे नीचे दिखाना चाहता था ना, बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। अरे मुझे बोलने से पहले एक बार खुद को देख लेता ना, उसे भी तो कीर्ति पसंद थी। तुमसे मिलने के बाद कहता है कि मुझे श्रद्धा से नहीं कीर्ति से शादी करनी है। मैं भी जाके सबको बोल सकता था, लेकिन मैं उसकी तरह घटिया। हमें श्रद्धा बेटी बहुत पसंद आई है। अब बेटा आप बताइए। प्लीज मुझे जाने दिया, मेरी शादी है। शादी है तेरी? मंडप में जिंदा जाएगी या तेरी लाश भेजू? निकल जल्दी, सारे गहने निकाल, गोली चल जाएगी। श्रद्धा, श्रद्धा तुम ठीक तो हो ना? श्रद्धा तुम्हारे मन में जो भी है प्लीज बोल दो उसे। श्रद्धा, श्रद्धा कुछ तो बोलो। सॉरी, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए था। सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने क्या कर दिया, मुझे ये कम से कम श्रद्धा को तो नहीं बताना चाहिए था। उसे भी तो कीर्ति पसंद थी। तुमसे मिलने के बाद कहता है कि मुझे श्रद्धा से नहीं कीर्ति से शादी करनी है। वरुण जी को मैं नहीं, कीर्ति पसंद आई थी, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा? ऐसे में तो कीर्ति के साथ भी गलत हुआ ना। अगर उस रात वो हुंडे नहीं आते तो सब गड़बड़ हो जाता। मुझे इस बारे में कीर्ति से बात करनी होगी। हाँ। वैसे भी हमारा पति तो इतना कमाता है, हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो चार पांच दिन आपसे मिल नहीं पाएंगे ना, तो सोचा मिलते हुए जाऊं। कहीं जा रही है क्या? अपने हनीमून पर।
नहीं, नहीं, नहीं। मैं कीर्ति को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। वो खुश है अपनी शादी से, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये जो कुछ भी हुआ उसमें कम से कम कोई तो खुश रहे। तुम्हें क्या लगा तुम सॉरी बोल दोगी और मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? अरे तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। मैं तो गिल्ट में आ गया ना। सब के सब बस ना अच्छा देखते हैं। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या फील कर रहा हूं? अरे मैं तकलीफ में हूं या नहीं? पहले सबके लिए मैं सिर्फ निकम्मा, निखट्टू, आलसी था, पर शादी के बाद से सबका नजरिया बदल गया मेरे लिए। अब सबके लिए मैं अपनी बीवी की कमाई पे ऐश करने वालों में से एक हूं। अरे शर्म आती मुझे घर से बाहर जाने में। सब लोग मुझे मेरे मुंह पर ताने मारते हैं। दुनिया भर की बुराइयां हैं मुझमें, पर मैं लड़की बाज नहीं। तुम्हारी बहन ने तो वो भी साबित कर दिया ना। मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की ऐसी तैसी करके रख दी, किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा है मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। लोग अपना दुख ना आंसू के बहाने बहा लेते हैं, मेरा क्या? मैं अपना दुख कैसे खत्म करूं? है मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? बोलो श्रद्धा, है जवाब? मुझे तो याद ही नहीं था कि कल करवा चौथ का व्रत है। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना कल मेरी भूखी प्यासी प्यारी बीवी को पैंपर कौन करता, है ना? कीर्ति, आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, अपना मूड मत खराब करो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जितनी बेइज्जती अभय की आज हुई उसके बाद वो ऐसी नीच और घटिया हरकत करने की कोशिश करेगा। ओके चलो देखते हैं कि कल करवा चौथ पे तुम क्या पहनने वाले हो। अच्छा वरुण जी, हमें नहीं करना करवा चौथ, हमसे व्रत नहीं होगा। अरे तो मुझसे भी कहाँ होता है, लेकिन साथ में मिलके करेंगे ना, तुम मैं और हमारा पहला करवा चौथ। पर कल मैं तुम्हें फिर से दुल्हन की तरह सजा हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जानती हो ये करवा चौथ का व्रत बहुत स्पेशल होता है। पूछो क्यों? क्योंकि कल के दिन हस्बैंड अपनी पत्नी को एक स्पेशल गिफ्ट देता है। वरुण जी गिफ्ट? हाँ चलो अब तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कल सुबह सरगी के लिए भी तो उठना है ना। सरगी की थाली तो बड़ी अच्छी सजाई है। भाभी क्या कब जा रही हो सरगी खाने? इस बार सरगी हम ऊपर ही करेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? अरे क्यों से क्या मतलब है आपका? अरे इतना बड़ा हंगामा हो गया, अभय को कीर्ति ने इतना कुछ सुना दिया और आप कह रहे हैं क्यों? आप चाहते हैं कि इसके बाद भी हम नीचे जाके नैना भाभी के साथ करवा चौथ की पूजा करें?
अरे आपका पता नहीं, पर हमें और हमारे बेटे को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है। हाँ तनुजा जी, रिश्ते बिगाड़ना बहुत आसान है लेकिन उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल। जो भी किया कीर्ति ने किया, क्या नैना भाभी और भैया ने उसके साथ दिया? हाँ साथ तो नहीं दिया पर। पर क्या? नैना भाभी और भैया ने हमारे अभय को एक शब्द तक नहीं कहा क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा अभय ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे आप सही कह रहे हैं पर हमको बार बार कुछ नहीं। तनुजा जी, बच्चों की लड़ाई में सालों पुराने रिश्ते में टूटने नहीं दूंगा। इस साल भी सरगी और पूजा आप नैना भाभी के साथ ही मनाएंगी, समझी? अरे आपके आगे हमारी कभी चली है जो आज चलेगी, पर आपकी खुशी के लिए ना हम वापस उस घर में जाएंगे जहां हमारे अभय की इतनी बेइज्जती हुई है, जाएंगे हम। और अब जा ही रहे हैं तो फिर श्रद्धा को भी बुला लेते हैं। ठीक है। और सुनिए, अच्छी लग रही है? आप तो कुछ भी बोल। अरे हमें अकेला बाहर देख के इसने मौके का फायदा उठाया, हमारे कमर में हाथ डालने की कोशिश की और कहने लगा कि तुम गिर रही थी तो हम तुम्हें बचा रहे थे। अरे मुझे बोलने से पहले एक बार खुद को देख लेता ना, उसे भी तो कीर्ति पसंद थी। तुमसे मिलने के बाद कहता है कि मुझे श्रद्धा से नहीं कीर्ति से शादी करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सॉरी। आप सो जाइए। अरे तुम ये सब लेके इतना सज धज के इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सरगी के लिए, आज करवा चौथ है ना, तो तुम भी व्रत रख रही हो? जी। देखो ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही दिन तुम्हें साफ साफ बोल दिया था हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं होगा, ये फिर भी तुम ये सब। देखिए ये मेरा विश्वास है। अरे यार तुम अपना ड्रामा बंद करो ना, तुम दोनों बहनों को नौटंकी के अलावा कोई काम नहीं है क्या? एक को देखो तो वो मेरी इज्जत उछालती रहती है और दूसरी वतन पता नहीं, बस तुम ये व्रत नहीं रखोगी। मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन प्लीज आप मेरे लिए फैसला मत लीजिए, मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ। देखो मैंने एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया, तुम ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी बस। आ गई हमारी बहू श्रद्धा। बेटा रख दो यहाँ। भाभी मानना पड़ेगा, अरे दोनों बहनों में जैसे जमीन और आसमान का फर्क हो। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि एक ही कोख से जन्मी दोनों बहन इतनी अलग है। भाभी आप ही देखिए ना, अपनी श्रद्धा कितनी संस्कारी है और जितनी ये संस्कारी है कीर्ति को उतना ही लोगों की इज्जत और समय के लिहाज से जैसे परहेज हो।
वैसे भाभी, कीर्ति के आने के लिए आपने अलग से मुहूर्त निकाला है क्या? अभी तक सो रही है वो? आती ही होगी वो। हाँ हाँ भाभी, हम समझ सकते हैं, बेचारी थक गई होगी, कल इतना तमाशा जो किया है उसने। अगर ये महारानी जी इतने जल्दी उठ जाए ना, तो हम अपना नाम ही बदल लेंगे। हाँ चलो हम बैठते हैं। कीर्ति, ये क्या? आज कीर्ति का पहला करवा चौथ है और आज के दिन में ये सो रही है। मम्मी वो एक्चुअली आंख ही नहीं खुली। आप चलिए, मैं फटाफट भेजता हूँ उसको। 15 मिनट में ना कीर्ति बाहर आ जानी चाहिए, क्योंकि सूरज उगने के बाद सर्गी नहीं हो सकती। मम्मी आप चलिए, मैं 15 मिनट में उसे लेके आता हूँ, ठीक है? चलिए आप। कीर्ति, वो सर्गी खाने के लिए जाना है, देर हो रही है, उठो। वरुण जी सोने दीजिए ना, 5 मिनट और। क्या हो गया, आपकी बहू उठी नहीं क्या? नहीं, बस आ रही है कीर्ति। हाँ हाँ भाभी, अच्छी बात है अगर कीर्ति आज उठ जाए, वरना हम तो यहाँ बैठ के उसका इंतजार कर ही लेंगे। हाँ पर भाभी एक बात आप देख लेना कि सूरज निकलने से पहले वो उठ जाए, वरना आपकी बहू के चक्कर में कहीं हम और हमारी बहू दोनों ही भूखे ना रह जाएं। क्या करूं कीर्ति यार, प्लीज उठो, वहां पर मम्मी चाची सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उठो ना। कीर्ति उठो ना, कीर्ति उठो। कीर्ति उठो, सॉरी। ये कीर्ति भी ना अभी तक क्यों नहीं आई, मैं उसे उठा के लाती हूँ। ताई जी, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए और सूरज ना निकल जाए, इसलिए मैं एक बार। श्रद्धा सही कह रही है, हम ना अपनी सर्गी खा ही लेते हैं, क्योंकि भाभी कहीं ऐसा ना हो कि आपके बहू के चक्कर में हम दोनों ही भूखे रह जाएं। ओ, इनका गुस्सा और बढ़ गया। जा रही, बैठो। हमें पता है तुम कहां जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है कीर्ति को बुलाने की। अरे भूल गई तुम, तुम्हारे पति की कितनी बेइज्जती की उसने और तुमसे बुलाना चाहती हो।
तुम कीर्ति की देवरानी पहले हो और बहन बाद में। और भूल मत जाना कि अभय तुम्हारा पति है। चुपचाप से यहाँ बैठी रहो। मम्मी जी, मैं कीर्ति को बचपन से जानती हूँ। उसे सुबह जल्दी उठना, व्रत रखना, इन सब की आदत नहीं है। उसने ये सब पहले कभी किया नहीं है, तो वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं। अरे उसने कभी नहीं किया है तो इसका ठेका हम लिए हैं क्या? और श्रद्धा, तुम ना एक बात गांड बांध, अब तुम्हारा कीर्ति के साथ रिश्ता अलग है और ये एक अलग परिवार है, समझी? लेकिन मम्मी जी, अगर एक बार कुछ सर्गी खाओ और भूलो नहीं, ये व्रत तुमने अभय के लिए रखा है और हम नहीं चाहते कि कीर्ति की वजह से कोई भी विघ्न आए। कीर्ति, बहुत अच्छी लग रही हो, अब जाओ ना, मम्मी वेट कर रही होंगी, प्लीज जाओ। वरुण जी, हमारा पहला करवा चौथ है, हमें अच्छे से तैयार होने दीजिए। कीर्ति, तुम ना बहुत अच्छी लग रही हो, अब जल्दी जाओ ना, सूरज निकलने वाला है, मम्मी वेट कर रही होंगी, प्लीज जाओ ना मेरे लिए। ओके। आप ये सर्गी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? आपके कहने पे हम सुबह उठ के तैयार होकर आए हैं, भूख लगी है और अब आप कह रही कि हम नहीं खा सकते। आप सुबह उठ गई, तैयार हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप ये सर्गी नहीं खा सकती। इसका क्या मतलब हुआ मम्मी जी कि हम नहीं खा सकते? घड़ी देखिए जरा, सर्गी सुबह सूरज निकलने से पहले खाई जाती है, कहा था ना हमने। तो अब सूरज तो निकल गया, तो चांद निकलने तक अब आप ना कुछ खा सकती हैं और ना पी सकती हैं। कीर्ति को तो वैसे भी व्रत रखने की बिल्कुल आदत नहीं है, अब पूरा दिन कैसे भूखी प्यासी रहेगी? तो जैसे कि हमने कहा, आप सर्गी नहीं खा सकती। मम्मी जी, ये व्रत ना हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, आपने बोला इसीलिए कर रहे। अब आधी रात को उठकर हम तैयार होकर आए और आप कह रही हैं कि हम सर्गी नहीं खा सकते। हर व्रत के कोई नियम होते हैं और नियम तो उस नियम के चक्कर में हम दिन भर भूखे रहे। जीवन में इतनी ही समस्याएं हैं तो थोड़ा वक्त का भी ध्यान रख लेती आप। अब व्रत शुरू किया है तो उसे पूरा तो करना ही होगा। माफ करिएगा भाभी, आपके बहू का कल का तमाशा देखने के बाद हम तो इतना समझ लिए हैं कि आज का नखरा भी लंबा चलने वाला है और हमें सबके नाश्ते की तैयारी करनी है, तो हम चलते हैं। चलो श्रद्धा।
कीर्ति, कीर्ति उठो ना प्लीज। कीर्ति कथा का समय हो गया, मम्मी अभी दो बार आके जा चुकी हैं, प्लीज उठ जाओ। कीर्ति उठो ना, देखो पूजा के वक्त सोते नहीं, उठो ना प्लीज। अच्छा मेरे लिए उठ जाओ। अरुण जी पेट में ना चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। तो ठीक है एक बार कथा हो जाए उसके बाद जी भर के खा लेना, और जब तक तुम कथा के लिए तैयार होगी ना तब तक मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊंगा। गिफ्ट? हाँ गिफ्ट, आज सब कुछ परफेक्ट होगा। ओके मैं बस अभी गया और अभी आया। बाय। बहुत भूख लग रही है। ताई जी। हाँ बेटा। कथा की तैयारियां हो चुकी हैं, चलिए ठीक है। बोलने से पहले एक बार खुद को देख लेता ना, उसे भी तो कीर्ति पसंद थी। तुमसे मिलने के बाद कहता है कि मुझे श्रद्धा से नहीं कीर्ति से शादी करनी है। झूठ से कुछ हासिल नहीं होता, मुझे अब भी लगता है कि वरुण जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। दूसरों के लिए फैसला लेने वाले हम कौन होते हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि अभय पूजा में आएंगे भी कि नहीं। पता नहीं माता रानी क्या लिखा है मेरी किस्मत की लकीरों में। पापा मैं ये किस्मत रिश्वत में नहीं मानता। सब किया कराया तो आपका और मम्मी का है ना, सर्कस के बंदर की तरह मुझे नचाते और मुझे नाचना पड़ जाता है। अबे हम कह पापा, रहे हैं कि आज मुझे बोलने दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी थी पर आप लोगों को बहू चाहिए थी इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। पग फेरे पे भी आपने डांट पट के मुझे श्रद्धा को लेने भेज दिया। इस बार आप कुछ भी कर लीजिए पर ये बंदर नहीं नाचेगा। अरे क्या बंदर मंदर लगा रखा है, आज तक ऐसी क्या जबरदस्ती की हमने तुम पर? अबे हमें कुछ नहीं सुनना, आना पड़ेगा तुम्हें। क्यों आना पड़ेगा? जैसे श्रद्धा ने अपने दिल की बात सुनी और ये व्रत रखा ना, वैसे मैं भी अब अपनी दिल की बात सुनूंगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए पर इस बार नहीं मैं हटने वाला। अबे हम कह रहे माता रानी आज प्लीज अभय जी को भेज दीजिए। इतनी रात को कौन पानी फेंक दिया? गजाननम भूत गणादि सेवितं कपित्थ जंबो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब कथा शुरू करते हैं। जी पंडित जी। नैना भाभी आपकी बहू तो कथा से भी गायब लग रही है। गायब नहीं है वो, आती ही होगी। करवा चौथ का यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायुष के लिए बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधि विधान से करती हैं।
यह कथा राजा अश्वपति की सुंदर और तेजस्वी पुत्री सावित्री की है। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, उस समय उसकी सुंदरता और चमक देखकर कोई भी युवक उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सावित्री जब सत्यवान से मिली, उस समय सत्यवान अपने अंधे माता पिता के साथ आश्रम में रहते थे। उनके पिता अपना राजपाट हार चुके थे। सावित्री अपना सुख आराम छोड़कर सत्यवान और उनके माता पिता के साथ रहने के लिए जंगल में चली गई। सत्यवान अपने जीविकोपार्जन के लिए लकड़हारे का काम करते थे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाने में भी बहुत मजा आएगा। समोसे भाई, वाह! अरे खा लो खा लो, हमने नहीं देखा। बुआ जी, देवताओं को अभी तक भोग नहीं चढ़ा, बाहर लेडीज बिचारी पूजा कर रही हैं और ये मैडम जी मौके का फायदा उठा रही हैं। अरे अरे, ये क्या कह रही हो सोनिया? कीर्ति जितनी होशियार लड़की ऐसी टुच्ची हरकत तो नहीं कर सकती। अरे ये बिचारी तो हमारे लिए निकाल रही थी और खुद पकड़ी गई है ना कीर्ति, लो ये हमें दे। दे तो दे। भाई वाह, वैसे इसे पूजा में जाने के लिए देर हो रही है, पर इसने बहुत जिद की कि जब तक हम इन सारी चीजों को खाकर पूरा आनंद ना ले ले, ये यहाँ से नहीं जाएगी। वैसे ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद करती हो तो हम खा लेते, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ कीर्ति, हम क्या खाएं सबसे पहले? समोसा। हाँ, समोसा खाते हैं। हाथ को आया और मुंह ना लगा। अरे वो जी, वो कहावत है ना, वो याद आ गया। वाह, क्या बढ़िया समोसे हैं! क्या पहुंचे, आपको हम इतनी उम्मीद के साथ लेकर के आए थे, लेकिन आपने इतनी आसानी से छोड़ दिया इस महारानी जी को। थोड़ा सब्र भी कर लिया करो मेरी जान। आज हम ऐसा बवाल करेंगे कि इस महारानी को चांद के साथ सिर्फ तारे नहीं, पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। हाय मेरी ब्यूटीफुल बुआ जी, कितने प्यारे हो आप, कितने प्यारे हो। हेलो, कहाँ हैं आप वरुण जी? कब से हम आपका वेट कर रहे हैं, कब तक आइएगा आप? देखिए अब हमसे ना भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, गाड़ी पार्क की है, बस आ रहा हूँ तुम्हारे घर लेके। अच्छा आप पहुंच गए, ठीक है हम आ रहे हैं। अरे फिर कहाँ जा रही हूँ? किस्मत की लगी पड़ी हो ना, तो खुद से भी गटर की बदबू आती है और जाके टकरा भी गटर से जाता है। हिम्मत तो देखो इसकी वरुण जी, एक बार टकराए तो समझ में आता कि गलती, पर बार-बार ये हमसे ही क्यों टकराता है? ये वो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आदमी ऐसा, आपके हाथ में हमारा गिफ्ट देखा होगा तो आके टकरा गया ताकि टूट जाए। देखो ना अभी भी यही खड़ा है, खुद तो एक चम्मच खरीदने की औकात नहीं है और आपको भी रोक रहा है, और आप रुके क्यों? ऐसे में ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। हमें ना वरुण जी डर लगता है इससे। सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन सावित्री को मृत्यु का आभास हमेशा लगा रहता था, जैसे कि कोई अनिष्ट होने वाला हो।
कीर्ति कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। अगर नीचे गई तो ताईजी बहुत नाराज होंगे। जिस दिन शक्तिवान की मृत्यु लिखी थी, सावित्री को पता नहीं था कि उसके पति पर कितना घोर संकट आने वाला है। फिर भी सावित्री शक्तिवान के साथ जंगल को चली गई। अबे पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? जलन से मर रहा है, इसलिए टकराया ना जान के, क्योंकि मैं अपनी बीवी को गिफ्ट देता हूँ। बावला हो गया क्या? इतना अंधा हो गया कि मेरे गंदे मैले कपड़े नहीं दिख रहे तुझे? जल्दी में था मैं। कचरे से ना हमेशा बदबू ही आती है, जैसे तुमसे और तुम्हारी घटिया सोच से। सही कह रही है कीर्ति, तूने जानबूझकर उसका गिफ्ट तोड़ा है। और सत्यवान ने सावित्री की गोद में अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन सावित्री ने अपने पति का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वह यमराज के पीछे चली गई अपने पति सत्यवान को वापस ले आने के लिए। वरुण को छोड़। इतना बेशरम है ये, इसे जरा भी एहसास नहीं अपने गलती का। वरुण जी आपका भाई कैसे है? देख वरुण, मुझे छेड़ मत, मेरा दिमाग आगे खराब है। मेरे कपड़े गंदे थे। तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर ही गंदा है। अब क्या बोल रही हो? सुनाई दे रहा है? दिमाग खराब है तो इलाज करा ले। और तू ना, तू मेरे रास्ते में मत आ, मैं बोल रहा हूँ तुझे। देख रहा है, कल के झगड़े के बाद भी कुछ नहीं सीखा, उल्टा हमें समझा रहा है, हमें बोल रहा है। पता नहीं कौन सा बदला निकाल रहा है ये हमसे। बस बहुत हो गया बे, बहुत हो गया। क्या कर रहे हैं आप दोनों? पूजा का टाइम है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? श्रद्धा तुम हमारे बीच में मत आओ। हाँ श्रद्धा, तुम बीच में मत आओ। तुम्हारी मैं इज्जत करता हूँ, इसे मैं आज छोड़ूंगा। हिम्मत है ना तो छोड़ना भी मत। सावित्री के व्रत और तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन का वरदान दे दिया। इसलिए आज भी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। जो हुआ उसके बारे में घर में किसी को मत बताइएगा। पूजा का वक्त है, घर में सब परेशान हो जाएंगे। ठीक हो?
भाभी ये क्या पूजा के बाद भी आपकी आंखों में शांति की जगह अंगारे? प्यार की भाषा समझता कौन है आजकल? ऐसी कौन सी हद है जो हमारी बहू ने पार नहीं की? सुबह सरगी में लेट आई सबसे पहले, और उसके बाद 5 मिनट भी कथा में नहीं बैठी, और जो हमने देखा अगर वो हम आपको बता देंगे तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे भाभी, वो तो अलग ही बवाल है। क्या बवाल है वरुण जी, भूख से ना हमें चक्कर आ रहा है। कल से हम आपकी और मम्मी जी की बात मान रहे हैं, जब भूख लगी है तो कोई है ही नहीं बचाने के लिए। हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा ये भूख, हमें भूख लगी है वरुण जी। कीर्ति, जिस तरह से तुमने व्रत रखा है ना, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू। और अब तो बस कुछ घंटों की बात है उसके। यहाँ पे हमसे एक सेकंड नहीं घट रहा और आप घंटों की बात कर रहे हैं? हम नहीं रह सकते इतनी देर भूखे। सुबह से पानी का एक घूंट तक नहीं पिया है हमने। I know कि ये करवा चौथ का व्रत इजी नहीं होता, पर श्रद्धा ने भी तो रखा है ना। हाँ, और वो बिल्कुल रखा है, और मिला क्या उन्हें? वैसे भी हम दीदू जैसे नहीं है, वो ये सब कर लेती है, हमसे नहीं हो पाता। हमें तो भूख लग रही है। देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, 100 जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही, ऐसी हुई मैं तेरी दीवानी। बिन तेरे दिल अब मेरा ना माने, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से से। मेरी कोई भी बात कहाँ मानती हो तुम? तुम्हें व्रत रखने से मना किया था मैंने, तुमने फिर भी रखा। हमारी लड़ाई के बीच में आने से भी मना किया मैंने, तुम फिर भी आई। अरे क्या जरूरत थी बीच में आने की? ओ, मैं माना तुम्हारी तरह गुंडों से नहीं लड़ सकता, पर वरुण की तुम सॉरी वो पता नहीं, तुम मेरी फिक्र मत किया कर, मैं संभाल लेता सब कुछ। मैं तो बस पूजा वाले दिन घर पे ऐसा झगड़ा होना ये अच्छा नहीं होता है। मैं ठीक हूँ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।